कहां से और कैसे उतरता है, लेकिन मेरे साथ मैडम है। मैडम माफी चाहता हूं, श्रीरूपा मित्रा आपको इंतजार कराया और चौधरी साहब आपको भी इंतजार कराया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, अभी भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, लेकिन आपने टीएमसी को भी सुना, ममता बनर्जी कह रही है कि मैं बंगाल जीतूंगी और मैं फिर दिल्ली जाऊंगी। ममता बनर्जी ने बंगाल जीत के बाद का प्लान भी डिक्लेयर कर दिया है। मैडम श्रीरूपा मित्रा जी, ममता दीदी को सैल्यूट करते हैं हम, क्योंकि ममता दीदी ने, आप देखिएगा कि पिछले 10 साल में उन्होंने हिंसा की राजनीति की, बम धमाके की राजनीति की, महिलाओं के इतनी बलात्कार हुई, इतनी बलात्कार और उसके ऊपर अत्याचार हुई, हत्या हुई महिलाओं को और बच्चों को। महिलाएं, जैसे मैं एक महिला हूं, चुनावी मैदान में इतनी ज्यादा महिलाएं अनसेफ फील कर रही हैं। और दीदी 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 को बताना चाहूंगी कि बंगाल की बेटियां इस हिंसा की राजनीति अब नहीं करने देंगी। बंगाल की बेटियां दीदी को हराएंगी इस बार, और दीदी की सैल्यूट है। दीदी जो दिल्ली जाना चाहती है, जीतूंगी और दिल्ली से भी भगाऊंगी, है महिलाओं के सुरक्षा के लिए, पर दीदी के लागू नहीं करने देते हैं। दीदी कह रही है कि मैं बंगाल तो जीत ही रही हूं, लेकिन अब इसके बाद दिल्ली से भी भगाऊंगी मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को। दीदी को सैल्यूट करती हूं। जैसे दीदी के पास जितने आज इस बार एमएलए होगा, उसको लेके दीदी अगर दिल्ली जीत सकते हैं, तो दीदी को इस बार बंगाल की बेटियां वो दिखा देंगे कैसे क्या हालत है दीदी का। दीदी जो बोल रही है उसकी बात को हर व्यक्ति अभी हंस रहे हैं। आप गांव-गांव में जाइए, हमारी जो महिलाएं हैं, सारे महिला दीदी की बात सुन के हंस रही है, मुस्कुरा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि दीदी ऐसे बोलती रही है, दीदी ऐसे बोलती है, लेकिन वो सच्चाई में कुछ नहीं होती है। दीदी जो बोलती है उसकी रियलिटी में कुछ नहीं होती है। ये सब लोग देख चुके हैं पिछले 10 साल में, ये चीज देख चुके हैं। आपको बता रहा हूँ जयसवाल साहब, श्रीरूपा मित्रा जी की बात का जवाब, 40 सेकंड। मैं बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने दीदी को सल्यूट किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ महिला मुस्कुरा रही हैं। ये तो मुस्कुराना हमारे प्रांत का सबसे सुंदर है सर, रसगुल्ला और हमारे हमारे माताओं का मुस्कुराना ही से तो हमको जीवन है सर। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। और सर ये जो बात बोलना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ सर, प्रधान सर ने तो एलपीजी जीडीपी को तो बहुत अच्छे से संगठित किया है, और ये जो नए बीजेपी और पुराने बीजेपी की जो लड़ाई है उसको ये हमारे टीएमसी के ऊपर थोपना चाहते हैं, इनसे तो संभल नहीं रहा है, क्योंकि इनके पुराने कार्यकर्ता तो। और सर सुन लीजिए सर, जवाब तो महिलाएं देंगी, एलपीजी के लिए देंगी, डीजल के लिए देंगी, पेट्रोल के लिए देंगी, और जवाब नहीं, वो टीएमसी की बात का जवाब, परिवार को इस कोरोना काल से बाहर निकालने का। श्रीरूपा मित्रा जवाब, टीएमसी की बात का। 90 लाख महिलाएं, बंगाल की 90 लाख महिलाओं के आज चूल्हा से नहीं खाना बनाना पड़ता है। बौखला गई इंडियन गवर्नमेंट, बौखला गई है, कोई तकलीफ नहीं है, हम सज है, हमने जैसा जवाब बोलने दीजिए 30 सेकंड, हम बोलने दीजिए 30 सेकंड अब उनको भी। सर खत्म ही नहीं करने देते सर। अरे आप खत्म ही नहीं करते ना, दिक्कत तो यही है श्रीरूपा मित्रा। 30 सेकंड शो में मौका मिलता है सर तो बोल देते हैं। देखिए वो बोल नहीं रहे, हमको मौका दे दीजिए, हम बोल देंगे। बंगाल में देंगे अपने प्रांत की बातें। बंगाल में अच्छा बोल रही है वो भी। बंगाल में 90 लाख महिलाओं को आज चूल्हा में खाना नहीं बनाने पड़ते हैं। उन्होंने उज्ज्वला गैस ली है, और गांव गांव में उज्ज्वला दीदियां का जो जय विजय देख रहे हैं वो मोदी जी के नाम पे कर रही है। आज बंगाल की जनता ये चाहते हैं कि मोदी जी का जो उन्नयन के विकास की जहाज हो वो बंगाल में भी आए, और बंगाल की घर घर में रोशनी हो, बंगाल की घर घर में रोजगार हो, ये चाहते हैं, बंगाल के माताएं ये चाहती हैं। ठीक है चौधरी साहब का मैं रुक करता हूँ, कांग्रेस का रुक करता हूँ, हालांकि कांग्रेस इस लड़ाई के अंदर अभी इतनी बड़ी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन चौधरी साहब मैं सुन रहा था। हाँ बिल्कुल, अभी आपको अभी दादा आप ही को बोलने देगा, अभी आप ही को बोलने देंगे, आप चिंता मत करिए। अब क्या कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी बड़े कंफ्यूजन के दौर में है। आपके सहयोगी एनसीपी हो, आरजेडी हो, ये सब कह रहे हैं दीदी को जिता दो,
आपके साथ साथ चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप गठबंधन में हमारे साथ हैं, जितवाने के लिए उनको लगे हुए हैं। आपके एक स्टार प्रचारक पिछले दिनों हमारे कार्यक्रम में थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी बोला कि दीदी तो बड़ी अच्छी है। क्या आपको लगता है कांग्रेस कंफ्यूजन में है कि दीदी को हराना है या दीदी को जिताना है? तो पब्लिक आपको क्यों वोट डालेगी? अगर उन्होंने दीदी के खिलाफ ही वोट डालना होगा तो आपको वोट क्यों डालेगी? आपकी पार्टी में कंफ्यूजन भरा पड़ा। अमित जी, जी चौधरी साहब, अमित जी, मैं आधा घंटा से आपका बातें सुन रहा था, आपके कार्यकर्ता के लोगों का बातें सुन रहा था। जिस तरह से आप एजेंडा सेट करना चाह रहे हो बंगाल के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में, अभी आखिरकार जो आपने समय दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पहली बात आप सुन लीजिए, यहाँ पे ये दीदी जो है कि ये कांग्रेस की प्रोडक्ट ही है। आज 2011 से लेकर 2020 तक उन्होंने शासन में आया, कांग्रेस का बलबूते पे ही आया है और आने के बाद में सबसे पहला खंजर कांग्रेस को ही मारा है। इसीलिए बंगाल में कांग्रेस करने वाले जितना भी कार्यकर्ता या जितना भी नेतृत्व है, ये कभी भी दीदी को स्वीकार नहीं करेंगे, उनका राजनीति को कभी भी मारेंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर पॉइंट, उनका एक नारा है विरोधी सुन लो। 2018 में जब हमारा कार्यकर्ता